अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब होंगे खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मेरे एग्जाम हो चुके हैं कंप्लीट, तो इसलिए इस खुशी में सेलिब्रेशन तो बनती है। लेकिन आज जुम्मे पागल, जुम्मे वाले दिन कौन सेलिब्रेशन करते, गुनाह मिलेगा, दूसरे कुछ नहीं होगा। मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हुए, दो दिन हो चुके हैं और मैं दो दिन बाद ही क्यों व्लॉग बना रहा हूँ। वजह बहुत सिंपल थी, मैं पेपर्स वगैरह से फारिग हो तो गया था, लेकिन आपके लिए ये चैलेंज वाला व्लॉग भी तो लाना था। पेपर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है भैया। प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपना एक पेपर मिस कर दिया था, जो कि मेरा सेकेंड लास्ट पेपर उर्दू बी का था। तैयारी मेरी मुकम्मल थी, लेकिन बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाया था। जब मैं अपना लास्ट पेपर देने गया था, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं अच्छे नंबर ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक पेपर मिस कर दिया जो कि पूरे 75 मार्क्स का था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता इसमें हमारी कोई भलाई हो, जिसकी वजह से हम लोगों ने पेपर मिस कर दिया, और इसी बुरी न्यूज़ के बदले हमें कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए इन फ्यूचर। तो इसलिए कहते हैं होप फॉर द बेस्ट, मतलब अच्छे की सिर्फ उम्मीद रखो। अब बारी आती है थोड़ी सा लाइफ अपडेट देने की कि पेपर्स कम्प्लीट करने के बाद मेरी लाइफ कैसी चल रही है। तो जैसा लोगों को पता है कि मेरे पेपर कम्प्लीट हुए, यार एक सेकंड, तो जैसा लोगों को पता है कि खैर से इतनी कोई लाइफ खास नहीं चल रही है, बस कोई काम वगैरह नहीं होते स्कूल वाले जैसे कहते पहले होते थे। पेपर्स की तैयारी करना, शाम तक पूरा परेशान रहना, और जो एक फीलिंग आती है पेपर्स को कंप्लीट करने के बाद, वो मुझे अभी तक नहीं मिली, क्योंकि मैंने अपना पेपर मिस कर दिया था। तो जैसा आप लोग कुछ जानते हैं, इस आवाज़ को सुन के परेशान नहीं, क्योंकि आज हमारी जो अलमारी है उसको अजब कर देंगे खुदा हाफिज़, उसको आज जुदा कर दिया जाएगा हमारे कमरे से, क्योंकि उसके से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसको करवा देंगे। साल दो साल तो रही है हमारे पास, लेकिन अब टाटा बाय बाय करने का सो टाइम आ चुका है। ले जी, पहला दरवाज़ा टूट चुका है, उसके बाद ये टूटेगा, ये मतलब आज सारी अलमारी को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो इसलिए आज सारा इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। खवातीन रात कुछ ये मनाजिर है, हम लोगों की अलमारी के इस वक्त पूरे तीन दरवाजे नीचे के उतर चुके हैं। अभी फ़िलहाल सबको निकाला जाएगा बाहर, चार पहिए खाली की जा रही, फिर एवरी थिंग इज़ गोइंग टू बी क्लियर। माशाल्लाह जी, बाहर एतवार बाजार लग चुके हैं, हमारे पास नमक है, शहद है, परफ्यूम है, कील है, लिपस्टिक है, और बैग्स हैं, ब्रशेज़ हैं, चमचे हैं, घर के लिए दरवाजे हैं। ये देखें ना, आपको कोई भी चाहिए हो, ये वाला चाहिए हो, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए हो, हमसे रब्ता कीजिए। जैसा आप जानते हैं कि आज घर पे अलमारी को तोड़ने का मिशन चल रहा था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कम्प्लीट हो चुका है, क्योंकि अलमारी के टुकड़े टुकड़े कर करके से हमने ऊपर छत पे जाके शिफ्ट कर दिया। मतलब जो भी उसके हम लोगों ने पीस वगैरह पापा ने तोड़ के अलग-अलग किए थे, वो उन्हें ऊपर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, उसे ज़्यादा उन्हें तोड़ना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा काम हो चुका है कम्प्लीट। अब मसला ये, आज जुमा है तो मुझे अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, तो अभी फिलहाल सफाइयाँ शफाइयाँ चल रही अंदर, मैं अभी कर नहीं देता हूँ, तो मामा कह रही इन्हीं कपड़ों के अंदर आज जुमा पढ़ लेते हैं, तो इसलिए आज इन्हीं कपड़ों के अंदर ही जुमा पढ़ लूँगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने शर्ट चेंज की थी, मतलब कपड़े नए हैं, तो बस नहाते हैं और फिर मैं जाऊँगा इंशाल्लाह जुमा पढ़ने के लिए। और आज पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है, तो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे कि आज क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुमा पढ़ लिया, मैं वापस घर आ चुका हूँ, और आपको अगर घर की काम की अपडेट दूँ, मतलब जो अभी फिलहाल नई सेटिंग चल रही है उसके अगर आपको अपडेट दूँ, तो फिलहाल हम लोगों ने चार पहिए कमरे के अंदर सारी बिछा ली हैं, और बाकी जो कहते हैं काम रहता है वही है कि जो हमने सामान अलमारी के अंदर पहले रखा हुआ था उसके लिए जगह बनाई थी अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। अब उसके बाद हम लोग सारा सामान रखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल अभी दोपहर का खाने का टाइम है, अंकल को मैं रोटी देने आया था, तो फिलहाल अभी रोटी वगैरह खाएँगे। पेट में काफ़ी ज़्यादा चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा काम जो है ना वो हो जाएगा इंशाल्लाह। साथ साथ आज पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है, वो भी इंशाल्लाह आज देखेंगे, दुआ करते पाकिस्तान जीत जाए। जैसा मैंने लोगों को कहा था, तो मैच स्टार्ट हो चुका है, बैटिंग पे फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया है और बॉलिंग पे पाकिस्तान है। दुआ करते हैं आज पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अच्छा हो। भाईजान इस वक्त सीन ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये देखो एक चौका एक छक्का लग चुका है, फुल फाइनल मैच की तरह लग रहा है। लेकिन देखते हैं, पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, वो क्या करती हैं। भाई भाई भाई, एक और छक्का, छक्का चौका छक्का चौका, इस तरह ऑस्ट्रेलिया के मैच की सूरत हाल चल रही है, मतलब रुक ही नहीं रहे हैं। वार्नर ये देखो कैसे उसने छक्का मारा, खैर मैचेस वगैरह चलते रहेंगे उसके साथ। ज़रा हम लोगों का दोपहर का खाना भी आ चुका है, हलीम है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसको ज़रा मैं खा लूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, साथ साथ मैच भी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। फाइनली मैंने रोटी खा ली और काफ़ी ज़्यादा सुकून में लगे खाना खा के, लेकिन मैच चल रहा है ना, उसने सुकून लेने नहीं दिया, क्योंकि ये बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज लग रही हैं। अभी फिलहाल एक और उन्होंने चौका मारा, ये देखो
ये देखो मार्श भैया ने इतना जोर का चौका लगाया ना, मतलब बाउंड्री से बहुत तेज बाहर गया। ये देखो हमारे प्लेयर्स के गंदे गंदे मुंह बन रहे हैं। बॉल आई, अरे नहीं 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 नहीं, और ये चौका फिर से हो गया। ये उसने जोर से खींच के मारा छक्का 65 मीटर लॉन्ग सिक्स। भाई जान इस वक्त टाइम हो रहा है 5:10 और काफ़ी देर में एडिटिंग करता रहा और अभी मैं नीचे आया हूँ तो देखा है ज़रा मैच की सूरत हाल। तो माशाल्लाह 3 विकेट लिए हैं शाहीन शाफी जी ने, 3 ही विकेट लिए हैं हारिस रऊफ ने। तो मैच की कंडीशन कुछ इस वक्त ऐसी है, 354 स्कोर है और 6 आउट हैं और बस ऑलमोस्ट इनिंग ख़त्म होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद फिर बारी आ जाएगी हमारे पाकिस्तान की। फाइनली आवर प्लेयर इज इन और फिलहाल भी 5 स्कोर बनाए हैं, कितनी 4 बॉलों पे अब्दुल्ला और इमामुल हक माशाल्लाह ओपनिंग पे आए हैं और स्टार्क वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया का बॉल कराते हुए नाइस। तो फिलहाल अभी पाकिस्तान ने 90 स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह बना लिए लेकिन 14 ओवर में, जो कि बहुत ज़्यादा काम है। और हमारे अगर बैट्समैन की बात की जाए तो अब्दुल्ला खड़ा है, इमामुल हक खड़ा है, 0 स्कोर 0 आउट है और 43 और 41 स्कोर है, ठीक ठाक ही है। टारगेट 368 मेहरबान कदरदान। स्कोर हो चुका है पाकिस्तान का 239 और टारगेट 129 कराया गया है। अभी फिलहाल बैटिंग पे इफ्तिखार और रिजवान है, 4 आउट हो चुके हैं लेकिन खैर स्कोर बन ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, कहीं पर प्रेशर आ लगता है, प्लेट ने नहीं लिया है, अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे हैं। ओ छक्का छक्का छक्का, यही चीज़ चाहिए जीतने के लिए, फिर तो आसानी से ही नो बन सके। एक और छक्का और पाकिस्तान को 250 स्कोर दे दिया भाईजान, क्या बात है, 250 स्कोर हो चुका है और बस थोड़ा सा टारगेट रहता है हम लोगों का, कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे यार चाचा फुल ट्राई कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को जितवा के ही रहना है। भाईजान चाचे का एक और ज़बरदस्त छक्का, ये चेक करो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, 80 मीटर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ी जा रहे हैं छक्के छक्के मार के, ये चेक करो कमाल हो गया। और ओ रिजवान की बहुत अच्छी बॉल और ये चौका माशाल्लाह माशाल्लाह, रिजवान ने मारा ना, 75 पे चाहिए हम लोगों को 105 स्कोर। इजी सीन है बॉस, इजी सीन है, जैसे भी ओवर हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़े हैं तो हम लोग बहुत आराम सुकून से खेलें तो जीत ही जाएंगे। अब पिच ये देखो, पिच दिखा रहे हैं कि चाचे की पूरी नज़र जा रही है 360 डिग्री के कहाँ से मेरा छक्का ज़्यादा हाई जाने वाला है, मतलब 80 से ऊपर जाने वाला है। चाचा फुल प्लानिंग के साथ आया, उसने कहा आज फिर देखना ऑस्ट्रेलिया को मैंने छोड़ना नहीं है। और यार मेरा सबसे फेवरेट बॉलर आ चुका है उज़ाम्पा, रिजवान भी आउट हो चुका है, वो किसके हाथ हुआ है, उज़ाम्पा के हाथ आउट हुआ है, ये देखो ये वाला, ये लो आउट हो गया यार। भाई जान मैच की सूरत हाल को देख के आपने परेशान नहीं होना, हाँ जी ये वही मैच चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिलहाल सारे आउट हो चुके हैं। ये देखो हसन अली भी आउट हो चुका है, शाहीन बस खड़ा है, अब उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ कोशिश कर रहा है, बाकी उसे कुछ हो पा नहीं रहा। ले भाई जान मैदान में आ चुके हैं जी हारिस रऊफ, यानी पूरी 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की जो उम्मीदें हैं वो इन दोनों बॉलर्स पर ही टिकी हैं, बॉलर्स पर बैटिंग के लिए आ गए हैं, अब मजबूरन भेजना ही पड़ा जब सारे बैट्समैन ही आउट हो चुके हैं। अब देखते हैं और ये कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश अच्छी की शाहीन शाफरीदी ने। ले भाई जिस चीज़ का डर था वही हुआ, अफरीदी हो चुका है अपना आउट, यानी शाहीन शाफरीदी, शाहिद अफरीदी ना समझ लेना, वो तो अब रिटायर हो चुका है। खैर पाकिस्तान मैच हार चुका है, मुझे इतना कोई ख़ास इसके लिए अफसोस नहीं है क्योंकि जो पाकिस्तान ने बैटिंग कर रही है ना जिंदाबाद वाला काम कर दी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन अगर जीत जाते हम तो खैर आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को कर देना जल्दी से लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ऐसे और मज़ेदार क्रिकेट के रिलेटेड व्लॉग्स देखने ना तो सब्सक्राइब कर लो, तभी आपका भाई इस तरह के मज़ेदार व्लॉग्स लेके आएगा। बस आगे पाकिस्तानी टीम थोड़ा हम पे करम नवाजी कर दे और जीते मैचेस ताकि और इंटरेस्टिंग मैचेस बन सकें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना है, अल्लाह हाफिज़।